अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक चीज़ लाए ख़रीद के, तो आपको वो बताएंगे हम क्या लाए हैं। तो उससे पहले आप लोग देखिए इन मुर्गियों को, और इसके अंडे भी मैं बताऊंगा कहाँ जमा कर रहा हूँ। अभी 4 अंडे हो चुके हैं जमा, तो वो भी बताऊंगा मैं कहाँ पे जमा कर रहा हूँ। और हम जब से इंडिया आया इसने एक भी अंडा नहीं दिया है, तो आप लोग बताइए ये कैसे अंडे देगी। मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्यों अंडे नहीं दे रही है, आप लोग बताइए मुझे। अभी मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ वो क्या। तो अभी टाइम आ गया है आप लोगों को वो चीज़ दिखाने का जो हम लाए हैं, वो अभी इसके अंदर है। तो आप लोग पहले साइड से देखिए, दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं क्या, नहीं यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, यहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए सामने है ठहरे हुए, अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। तो 1 2 3, तो ये है देखिए दोस्तों सिल्वर गिनोफॉल, काफ़ी ज़्यादा मस्त। 2 महीने के छोटे से बच्चे है ये। अब ये अंडे देने के लिए ये 1 साल के होना पड़ेगा, पर अभी ये छोटे से बच्चे लाया हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा मस्त है पर ये भी। तो चलिए अभी हम इन्हें बाहर निकालते हैं, खुद ही से आन देते हैं बाहर इन्हें। मानने जा रहा है शायद से, बस ये अब किसी के साथ लड़े ना। इसी बात पे आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इसके अंडे भी बताता हूँ मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ मैं अंडे किसके अंदर रखता हूँ। तो देखिए मैं एक मिट्टी के बर्तन के अंदर रखता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर अंडे गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठंडे रहते हैं अंडे। तो आप भी रख सकते हैं इसके अंदर गर्मियों में अंडे मिट्टी के बर्तन में, और सर्दियों में आपको चावल में रखना चाहिए, सर्दियों में आप इसमें मत रखिएगा अंडे। और अभी यहाँ पे 4 अंडे हैं मेरे पास, मैंने सबके ऊपर एक मार्क लगा दिया है नंबर। मैं भूल गया था मैं इनके लिए पालक लाया था, तो अभी हम इन्हें पालक डालते हैं। तो अभी मैंने पालक काट ली है, इतनी पालक इनके लिए बहुत हो जाएगी सारे मुर्गियों के लिए। तो अभी बाहर जाके डालते हैं इन सबको। इन्हें पता चल गया है मैं इन्हें कुछ डालने वाला हूँ, इसलिए सारे मुर्गियाँ यहाँ पे आ गए हैं। अभी थोड़ी डालूँगा, देखना कैसे खाते हैं। देखो और गिनोफॉल का दरवाज़ा खुला हुआ है शायद से। शिट, यहाँ एक ही गिनोफॉल है और पता नहीं कहाँ गई एक, कहीं बाहर तो नहीं निकल गई। ढूंढना पड़ेगा बहुत जल्द। अरे नहीं, यहीं पे है, पता नहीं है बाहर कैसे आई। इसे पकड़ के घर में डालता हूँ इसके। मैं डर गया था अभी ये नहीं दिखी तो, पर अभी मैं पकड़ लिया हूँ इसे, यहाँ पे डाल दिया है। तो पहले बाहर दे देते हैं हम इन्हें पालक सबको, फिर अंदर वालों को देंगे। तो अभी मैंने अंदर सबको डाल दिया है, बाहर भी डाल दिया है। तो अभी हम गिनोफॉल को डाल के देखेंगे वो खाती है या नहीं। मैंने पालक ले लिया, अभी डाल के देखते हैं। तो चलिए अभी मैं आ जाऊँ गिनोफॉल करने, और ये भाई बहुत शौक से खा रही है। चलो और ला के डालते हैं इन्हें। ये अंडे भी मैं अंदर रखना भूल गया था, अभी इसे अंदर रख के आता हूँ। तो अभी मैंने सबको बंद कर दिया है, बस ये अकेला खुला हुआ है, और इसको जब सर्दी लगेगी ये भी चल जाएगा उस बॉक्स में। बाकी पूरों को बंद कर दिया है। अभी मैं जैसे ही अंदर जाऊँगा सारे अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे, ये नीचे बैठेगा या फिर वहाँ पर ऊपर बैठ जाएगा। तो ठीक है, यही थी आज की वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।